प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम सब यहाँ पे हैं जैसलमेर, आपको बताने वाले हैं सनसेट बाथ के बारे में। दिस इज कॉल्ड सनसेट। आप लोगों ने अब पानी से नहाए होंगे, लेकिन पहली बार हम आपको दिखाने मिट्टी से कैसे नहाते हैं और इसके अंदर कितने सारे राज छुपे हुए हैं। तो आज हमें शीश महल डेजर्ट कैंप और यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं सनसेट बाथ या सैंड थेरेपी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सब लोग जैसलमेर की इस धरती धुरारी वाली जगह है और जैसा आप देख रहे हैं इस मिट्टी को देखिए और यहाँ की खूबसूरती का एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अगर आप जैसलमेर आते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग इन जैसलमेर और ये जैसलमेर की सबसे बेस्ट चीज है। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, हमारे साथ कल्याण जी हैं और उनकी पूरी टीम, और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं सैंड थेरेपी। इसमें सैंड थेरेपी हमने देखा होगा, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सैंड थेरेपी को एंजॉय कर रहे हैं। सैंड थेरेपी का फायदा क्या है? इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन को ये रोटेट करता है और आपको ज्यादा बेहतर रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स अ सॉइल रिलैक्स, ये मैग्नेटिक तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारे साथ है, हेलो सर, आपको कैसा लग रहा है? आप अपना व्यू दीजिए, आपने थेरेपी कराई तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि इस थेरेपी में वो किस तरह का फील हो रहा है। बढ़िया लग रहा है जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जन्नत पहुंच गए। मतलब ऐसा लग रहा है जिंदगी में कुछ नहीं है, बस यही जिंदगी है, रिलैक्स हो रहे हैं। इतना रिलैक्स तो आदमी मरने के बाद भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बॉडी में कुछ फर्क लग रहा है? आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी का मैं बता रहा हूँ ना, मैं बॉडी का ही तो बता रहा हूँ। बॉडी में क्या ऐसे लग रहा है जैसे एकदम, मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है, एकदम कैसे बताऊँ, एकदम हल्का। तो ये थे हमारे साथ SRK जी, जिनका नाम भी यहाँ छपा हुआ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सैंड थेरेपी को एंजॉय करना तो आप इसको जैसलमेर में जाके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, भारत को स्वच्छ रखिए। जय हिंद।